आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। देश दुनिया के तमाम छोटे बड़े खबरों को लेकर आपके बीच आया है आरपी भारत। तो चलिए चलते हैं आज के कुछ सुर्खियों पर। गिडी मुफस्सिल क्षेत्र के महतोडीह गांव में संचालित ईस्ट इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कार्बन रिसोर्सेज की फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण आग लग गई। बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है आजसू पार्टी। झारखंड को बीजेपी आजसू ने सिर्फ लूटने का काम किया है। झारखंड में पिछले 5 सालों से बीजेपी आजसू की सरकार ने लूटने का काम किया है। मजिस्ट्रेट सूर्यकांत रवि के निगरानी में ईवीएम मशीन सील हुई। चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा चुनाव लोकतंत्र पर्व शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। जरिया के बोरा सुदामडीगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल बनी शमशान घर दामोदर नदी में गुरुवार को डूबे राकेश कुमार पासवान की लाश मुनिडीह हिंदू कंपनी में कार्यरत ठेका मजदूरों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार को सुबह 9 बजे निकाली गई। पाकुड़ में ज्यों ज्यों मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे योगदान वार युद्ध की तापमान बढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी लोगों को पार्टी में योगदान करवा कर मैसेज देते हैं कि दूसरे दल के लोग पार्टी छोड़कर हमारे पार्टी में योगदान किया है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का सारण विधानसभा क्षेत्र के जेवीएम उम्मीदवार उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के लिए सीतलपुर के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया और जेवीएम के लिए वोट मांगे। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर गल्ला व्यवसायी से की लूटपाट। बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकान में काम करने वालों को पहले बंधक बनाया, इसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पाकुड़ में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद हुआ है। 270 पीस विस्फोटक जिलेटिन बरामद हुआ है। चुनाव के पहले इतनी भारी तादाद में विस्फोटक बरामद होना पुलिस के सामने कई बड़ी चुनौती खड़ी करता है। तीसरे चरण का मतदान समापन के बाद से 16 दिसंबर को होने वाले चौथे चरण के मतदान को लेकर धनबाद संसदीय क्षेत्र के सिंदरी विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। 3 बच्चों का शव जंगल से बरामद। पिपरवार थाना क्षेत्र से बुधवार की शाम से लापता 3 बच्चों को बरामद कर लिया गया। इनमें से 1 बच्चे की मौत हो गई, वहीं 1 बच्ची और बच्चे को घायल अवस्था में बरामद कर लिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। आप हमारे YouTube चैनल आरपी भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे Facebook पेज आरपी भारत पर भी लाइव खबरें देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरपी भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरपी भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।